नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्र तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। वर्तमान समय में सावन का महीना है, जितने भी शिव भक्त हैं भगवान शंकर को अपनी पूजा अर्चना करते हैं ताकि वे अपने कल्याण, अपना भविष्य बहुत अच्छा रखें, स्वास्थ्य अच्छा रहे। आज हमारे साथ भिलाई नगर के युवा विधायक कांग्रेस के देवेंद्र यादव भी कांवड़ यात्रा लेके निकले हैं। श्रीनाथ नदी से 14वीं शताब्दी का जो देव बड़ौदा मंदिर है शंकर जी का, वहाँ तक जाएंगे। हम उनसे बात करते हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हम सभी शिव भक्तों के साथ लगातार हर वर्ष कांवड़ यात्रा का आयोजन करते हैं और इस आयोजन के माध्यम से हमारी धार्मिक आस्था भावना उसको प्रदर्शित करने के साथ ही साथ इस शहर की, प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। और ये लगभग 30 से 35 किलोमीटर की यात्रा नंगे पांव सभी यहाँ पर युवा, माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग मिलकर करते हैं। मैं बस यही कहूँगा कि भोले बाबा के आशीर्वाद से ये यात्रा सफल हो पाती है। वर्तमान समय में कांग्रेस हावी होते जा रही, भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी हावी होते जा रही कांग्रेस पर, लेकिन जनता का काम नहीं हो पा रहा है। राज्य की जनता ठगी महसूस कर रही है साय सरकार से। देखिए, ऐसा है, ये सरकार में कुर्सी की खींचातान चल रही है। सारे मंत्रियों को, सारे मंत्री मुख्यमंत्री को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। जो यहाँ पर पुराने नेता हैं, जितने पूर्व मंत्री हैं, वो वर्तमान के मंत्रियों को अपना मंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। विधानसभा सत्र में हमने देखा, ये जितना हमसे नहीं, आपस में उससे ज़्यादा लड़ते हैं। देव बड़ौदा बाजार जो घटना हुआ था, आज जनी हुई थी, उसमें NSY और विधायक देवेंद्र यादव का हाथ है। रितेश सेन भाजपा वैशाली नगर विधायक ने कहा है, आप चलिए जाने दीजिए, किसी के सरकार है, सरकार तय करेगी क्या है या क्या नहीं है। मेरा बस इतना कहना है भाजपा के नेताओं से, तुम निर्दोष सतनामी समाज के युवाओं को बाहर क्यों नहीं छोड़ रहे हो, निर्दोष लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों कर रहे हो। ये आप याद रखिएगा, जो युवाओं के साथ, निर्दोष युवाओं के साथ कार्रवाई हो रही है उसको सतनामी समाज भूलेगा नहीं। और ये फिर यहाँ के वैशाली नगर के विधायक हों या प्रदेश भर के भाजपा के जितने भी नेता हों, ठीक है, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए सतनामी समाज आगे आएगा, क्योंकि आप गलत कर रहे हो। जिस आज भी सवाल वहीं का वहीं है, जैतखम किसने काटा, किन कारणों से हुआ, उसकी जांच करने के बजाय इधर उधर की बातें करके कुछ नहीं मिलेगा। मैं लगातार अपनी आवाज़ को उठाते रहूँगा। जो बात है वो सही है कि सतनामी समाज के निर्दोष युवाओं के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और हो रही है, उसका मैं विरोध करूंगा। मेरे विरोध करने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगता है मुझ पर कार्रवाई करनी है तो वो कर सकती है, मैं उसमें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मोला महानपुर में जो नक्सली को 5 सहयोग करने वाले पकड़ाए थे, संतोष पांडे भाजपा सांसद, रामनंद गांव ने भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के पिताजी का नाम लिया। देखिए, ऐसा है कि ये विवेकपूर्ण चर्चा नहीं है, कोई दिव्यंगत आत्मा के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करनी बहुत गलत बात है। मुझे लगता है संतोष, हमारे जो सांसद जी है संतोष जी, वो अपनी दिशा भटक गए। पहले तो झूठे आरोप लगाते हैं विधानसभा में जाकर और लोकसभा में जाकर, और अब इस तरीके से नीचे स्तर की बात करना, ये शोभा नहीं देता राजनीति में। ED ने एक प्रेस नोट जारी करके कहा कि आबकारी मंत्री कवासी लखमा भूपेश बघेल की सरकार में थे, अनवर ढेबर थे जो एक, अब ED भाजपा की है, जो भी करना है उनको करें, धन्यवाद। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि मैं देश के कल्याण के लिए, अपने मतदाताओं के कल्याण के लिए ये कांवड़ यात्रा निकाल रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का काम है कि अनाप शनाप आरोप लगाना और जनता को भ्रमा करना, ये तो समय बताएगा। विधायक देवेंद्र यादव का यह कथन भारतीय जनता पार्टी पर कितना भारी पड़ता है या युवा विधायक कितना कदम आगे बढ़ते हैं और फिर अपने जनता की सेवा करते हैं। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, भिलाई नगर।